हम लोग धीरे धीरे टेक्नोलॉजी से घिरते जा रहे हैं। हमारे आसपास के जो लोग हैं रोज डेली नए नए डिवाइसेस खरीद रहे हैं, नए नए मोबाइल्स खरीद रहे हैं। ऐसे में जो मोबाइल टावर्स होते हैं उनकी भी संख्या बहुत ज्यादा रेट में बहुत जल्दी जल्दी बढ़ रही है, और लोग इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते कि क्या सेलफोन टावर से हमें कैंसर हो सकता है। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे। तो अभी के टाइम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के समुद्र में घिरते जा रहे हैं। हमारे आसपास चारों तरफ रेडियो वेव्स हैं, जैसे कि सनलाइट, इंफ्रारेड, और इन सब में जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो है सेलफोन टावर्स। जो मोबाइल के टावर होते हैं वो भारी मात्रा में रेडिएशन छोड़ते हैं, मतलब सच में भारी मात्रा में रेडिएशन छोड़ते हैं, मजाक नहीं है। अब के टाइम में क्या होता है, जैसे सबके घर में जूते चप्पल होने चाहिए, एक बेसिक नीड है, वैसे आजकल सबके घर में एक राउटर और एक मोबाइल होना जरूरी है। तो हमारे आसपास जो रेडिएशन है वो दो टाइप का होता है, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। तो हम दोनों को अच्छे से समझते हैं कि आयोनाइजिंग क्या है और नॉन आयोनाइजिंग क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन की। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जो होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी वाला रेडिएशन होता है। आप अपनी स्क्रीन पे अभी एक इमेज भी देख रहे हो, इसमें सारी फ्रिक्वेंसी दी हुई है, इसमें बताया गया है कि कौन सा रेडिएशन कितनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी का होता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेस, ये जो होते हैं वो किसी भी मैटर के एक इंडिविजुअल पार्टिकल पे अटैक करते हैं, किसी भी मैटर के इंडिविजुअल पार्टिकल से मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इन रेडिएशन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए तो जो हमारा डीएनए कोडिंग होता है उस डीएनए में कुछ छेड़छाड़ हो सकती है, मतलब कि उस डीएनए में कुछ डिफरेंस आ सकता है जिससे कि हमको कैंसर हो सकता है। अगर हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन की बात करें तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी का होता है, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ही लो होती है। पर किसी भी रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी कम है या ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं कि उससे हमको खतरा भी कम या ज्यादा है। रेडिएशन तो रेडिएशन होता है, हाँ, पर ज्यादा खतरा हमको आयोनाइजिंग रेडिएशन से होता है, पर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी हमारे लिए खतरे का कारण बन सकता है। कोई भी रेडिएशन लो फ्रिक्वेंसी का है पर फिर भी ये हमारे पार्टिकल से रिएक्ट कर सकते हैं और कैंसर का कारण बन सकते। तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी तो नहीं है कि वो हमारे डीएनए को डिस्टर्ब कर सके जैसा आयोनाइजिंग रेडिएशन कर देता है। पर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके ब्रेन में और उनकी बॉडी में कोई भी रेडिएशन हो, नॉन आयोनाइजिंग या आयोनाइजिंग, दोनों रेडिएशन उनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा हार्म पहुंचा सकता है, क्योंकि उनकी बॉडी में इतनी ज्यादा पावर नहीं होती जितनी ज्यादा पावर हमारी बॉडी में होती। अब हमने आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन दोनों के बारे में जान लिया। अब हमारे पास नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कई सारे हैं, जैसे कि माइक्रोवेव और टावर्स। और जो माइक्रोवेव होता है उसके पास तो हम हमेशा ही रहते हैं, उसे हर टाइम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन निकलता रहता है। तो क्या हमें सेलफोन के टावर से या फिर जो माइक्रोवेव होता है उन सब से डरने की जरूरत है? तो इसका आंसर सीधे सीधे नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब हाँ ना वाला कुछ केस है, मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। तो इंटरनेशनल एजेंसी ऑफ रिसर्च ऑन कैंसर IARC ने हमारे सामने कुछ रिसर्च दी हैं जो बताती हैं कि हमें सेलफोन से क्या क्या खतरा नहीं है। तो सबसे पहली बात, जो टावर्स होते हैं वो किसी भी बिल्डिंग के सबसे टॉप में होते हैं, और जो टावर होते हैं वो ग्राउंड लेवल से बहुत ही ऊपर होते हैं। तो जो टावर होते हैं जो रेडिएशन छोड़ते हैं वो हमारे कॉन्टैक्ट से बहुत बाहर छोड़ते हैं, मतलब दूर छोड़ते हैं हमसे। तो सबसे पहला रीजन ये हो गया। तो क्या जो मोबाइल टावर के आसपास जो लोग रहते हैं उनको इससे खतरा है? नहीं। अगर आप सेलफोन टावर्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी आ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट आपको रेडिएशन लग रहा है उसका, फिर भी आपको जो कैंसर के चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। डायरेक्ट आपको कैंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसा अगर होता तो हर दिन हमको कैंसर के केस देखने को मिल जाते सेलफोन टावर से। और कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि लोगों को कैंसर हो जाता है, जैसे मैंने आपको एक्सरे वाली वीडियो में बताया था कि 100 में से 90% लोगों को कैंसर कभी नहीं होता और सिर्फ 10% चांस रहते कि आपको कैंसर हो जाता है। लेकिन आप ये बात को समझिए, जो एक्सरे होता है वो आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, फिर भी उसमें से आपको कैंसर के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। और ये जो सेलफोन टावर्स है ये तो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इससे तो कैंसर के कारण बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, पर कुछ कुछ केसेस होते हैं कि आपको कैंसर के पेशेंट देखने को मिल जाते हैं, पर आपको इससे घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको इससे कैंसर नहीं होगा। सिर्फ 5% या उससे भी कम चांसेस है कि आपको इसके कारण कैंसर हो सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि 5% चांस है, तो वो सिर्फ बोलने के लिए है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो एक ऐसी प्लेस पे रहता है जहाँ पे मतलब 20-25 घर हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे एक टावर है, वो टावर वहाँ पे 15 साल से है, आज तक वहाँ किसी भी इंसान को कोई स्किन से रिलेटेड बीमारी नहीं हुई, ना ही किसी को कैंसर हुआ। वहाँ छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं और बड़े बुजुर्ग लोग भी रहते हैं, तो उनको तो आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, सेलफोन टावर से आपको कैंसर नहीं होगा। तो अब मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या सेलफोन टावर से हमें कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता।
और आपको ये भी पता चल गया होगा कि आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इससे कुछ नया जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नाइट विजन कैसे काम करता है तो आप इस वीडियो को क्लिक करके जान सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि नमकीन खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है तो आप इस वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।